हेलो एवरीवन, टेक आउट योर हिस्ट्री बुक, ओपन पेज नंबर 86। यहाँ पे हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, कैसे इसमें डेवलपमेंट हुआ, कैसे शहर छोटे छोटे गांव मिलके एक बड़ा शहर बना, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, लोगों को कैसे इंटरेस्ट आने लगा काम में, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। आप पेज नंबर 86 ओपन करो, न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। हमने हम्पी, सूरत और मसूलीपट्टनम के बारे में पढ़ा। हमने इन तीनों में व्यापार बहुत अच्छा था, मसूलीपट्टनम की बहुत ज़्यादा बुराई भी की गई थी, लेकिन एट द एंड उसका व्यापार बहुत अच्छा हुआ था। ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छा था वहाँ पे, लेकिन जब अंग्रेज वहाँ पे आ गए थे तो क्या हुआ था, तब कैसे न्यू टाउन्स और ट्रेडर्स, कैसे न्यू पॉलिसीज आई थी, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कि उन जो टाउन में जब अंग्रेज आ गए थे, जब इंग्लिश लोगों ने अपना शासन उस वहाँ पे चलाना शुरू कर दिया, तब क्या हुआ था। इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, यूरोपियन कंट्रीज वर सर्चिंग फॉर द स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स विच हैव बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। 16 और 17 सेंचुरी में इंडिया के जो स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, जिसकी वजह से जो बाहर के यूरोपियन कंपनीज थी ना, वो खरीद कर यहाँ से लेके जाते थे और अपने टाउन में बेचते थे। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म ईस्ट इंडियन कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटी इन द ईस्ट। इंग्लिश, डच और फ्रेंच अपनी कमर्शियल एक्टिविटी इंडिया में बढ़ाना चाहते थे, इंडिया में करना चाहते थे। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक द मुला अब्दुल गफार एंड विजय वोड़ा, हु ओन अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स, कॉम्पीटेड विद दैम, जिसकी वजह से वो इंडिया में राज करना चाहते थे, क्योंकि इंडिया के स्पाइसेस और इंडिया की जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, तो वो इंडिया में राज करना चाहते थे ताकि वो अपने अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर पाए, अपना राज चला पाए। तो जो मुल्ला अब्दुल जफरी और विजय वोड़ा थे ना, उनके पास जो शिप थी, उनके पास जो एक, जब हम एक शहर से दूसरे शहर चीज़ें बेचते थे, हम शिप में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते थे, जिसकी वजह से जो उनकी शिप की पावर थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उनके पास बहुत अच्छे मजबूत वाले शिप्स थे। However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and force Indian traders to work as their agent. तो European companies क्या किया, अपनी sea की power को, अपनी समुद्र के ship की power को बढ़ाने के लिए उनने Indian traders पे force डाला और बोला कि वो उनका agent बन जाए। किसका? European companies का। Ultimately, the English emerged as a most successful commercial and political power in the continent. लेकिन भले ही इनके बीच में लड़ाई हुई, लेकिन जीता कौन? जीते अंग्रेज ही, मुला अब्दुल जफार और विजय वोड़ा, क्योंकि उनकी शिप की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसके सामने कोई नहीं टिक पाया, यूरोपियन कंपनीज भी हार गई, तो वो जीत गए, जिसकी वजह से जो इंडिया पर रूल था वो अंग्रेजों का आ गया मुला अब्दुल जफार और विजय वोड़ा का, वो लोग इंडिया पे रूल करने लगे और इंडिया पे बहुत ताकतवर बन गए, कमर्शियल और पॉलिटिकल रूल करने लगे। कमर्शियल मतलब ट्रेडिंग भी वो लोग करने लगे, अपने हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे, उनकी पॉलिसीज चलती थी, और पॉलिटिकल पावर भी बहुत था, क्योंकि वो इंडिया पे, इंडिया के लोगों पे और इंडिया शहर पे, कंट्री पे राज करने लगे थे। द स्पूट इन द डिमांड फॉर द गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेड टू द ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग, वेविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एक्सेट्रा। ये जो क्राफ्ट्स का काम था ना, वो इतना फैलता जा रहा था धीरे धीरे, कि टेक्सटाइल और इन सब चीज़ों में, कपड़े की बुनाई, कढ़ाई, इन सब चीज़ों का जो काम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे थे इसको खरीदने के लिए, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। With more and more people taking them, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे लेना चाहते थे। Indian textile design became increasingly defined, धीरे धीरे ये textile design बढ़ती चली गई। However, this period also saw the decline of the independence of the craft person. लेकिन जो 17 और 18 सेंचुरी था, इसमें क्राफ्ट पर्सन के लिए बहुत डिक्लाइन था, मतलब वो धीरे धीरे गिरते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेजों के हाथ में शासन आ गया था इंडिया का, तो अंग्रेज जो डिज़ाइन और जो चीज़ बोलते थे वही क्राफ्ट पर्सन को बनाना पड़ता था। जो डिज़ाइन वो लोग बोलते थे कि तुमको इस चीज़ की कॉपी करनी है, ऐसा ही सेम डिज़ाइन बनाना है, तो वो लोग वही डिज़ाइन बनाते थे। उनकी जो अपनी क्रिएटिविटी थी, जो वो लोग इंडिपेंडेंट लोग थे, जो लोग अपने हिसाब से काम करते थे, जो क्राफ्ट पर्सन, वो अपने हिसाब से डिज़ाइन नहीं बना पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका काम धीरे धीरे घटता चला गया।
दे नाउ बिगेन टू वर्क ऑन द सिस्टम ऑफ एडवांस विच मीन दैट दे हैड टू वीव क्लोथ विथ ऑलरेडी प्रोमिस टू यूरोपियन एजेंट्स. वो यूरोपियंस जैसे जैसे उनको काम बोलते थे सिर्फ क्राफ्ट पर्सन को उतना ही काम और वैसा ही काम करना पड़ता था. वो अपने हिसाब से कोई भी काम नहीं कर पाते थे. वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न्स. वीवर्स जो लोग कपड़े की बुनाई करते हैं उनको ये पावर नहीं था कि वो अपने डिज़ाइन बना के अपने कपड़े बनाकर बेचें. उन्हें से वही काम करना पड़ता था जो यूरोपियन एजेंट्स बोलते थे. दे हैड टू रिप्रोड्यूस अ डिज़ाइन सप्लाई टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स. उन्हें से उतनी डिज़ाइन बनानी पड़ती थी और सेम डिज़ाइन बनानी पड़ती थी जो कंपनी एजेंट उनको बोलती थी. The 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, which are the noble city today. 18th century में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास बहुत अच्छी सिटी में जाने लगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन गया. क्राफ्ट्स एंड कमर्शियल अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट एंड आर्टिशन सच एज वीवर्स एंड मूव इन द ब्लैक टाउन इस्टेब्लिश बाय द यूरोपियन कंपनी विद इन दीज सिटीज. यूरोपियन कंपनीज ने बॉम्बे, कैलकटा और मद्रास में जब अपना ट्रेडिंग का काम और आर्टिशन का काम बहुत ज़्यादा फैला दिया था और उनने इन सिटीज़ को ब्लैक टाउन बोलने लगे. इन सिटीज़ में उनने एक ब्लैक टाउन स्टैब्लिश किया था. बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में ब्लैक टाउन स्टैब्लिश किया था. क्यों स्टैब्लिश किया था? द ब्लैक्स आर और द नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स वर कंफाइंड हियर व्हाइल द वाइट रूलर्स ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास एंड फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता. उनने ब्लैक टाउन इसलिए बनवा दिया क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा गोरे थे और जो इंडिया उनके सामने इंडिया के जो लोग थे वो काले थे. इसलिए उनने ब्लैक टाउन इंडिया के लोगों के लिए बनवा दिया था और जो अच्छे अच्छे एरिया था, अच्छे इलाके थे, वो वाइट टाउन जाना जाता था और वो उन अंग्रेज़ों के लिए था. अंग्रेज़ों ने क्या किया, इंडिया को गंदी गंदी जगह दे दी और इंडिया को ब्लैक टाउन के उससे उनकी उनका जो टाउन था वो ब्लैक टाउन बोल दिया और जो जहाँ पे अंग्रेज रहते थे जहाँ का इलाका बहुत अच्छा था उसे वाइट टाउन बोल दिया. क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो बहुत ज़्यादा गोरे थे और उनके सामने इंडिया के जो लोग थे वो काले थे, इसलिए उनको ब्लैक टाउन बोला गया और अंग्रेज वाइट टाउन में रहते थे. तो अंग्रेज ने कौन कौन सी रेसिडेंसी अपने लिए बनवाई थी, जो वाइट रूलर्स के लिए बनवाई थी, वो थी फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में है और फोर्ट सेंट मिलियन जो कलकत्ता में है. कलकत्ता में आपको ये पता होना चाहिए मद्रास में कौन सा है और कलकत्ता में कौन सा है. द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कमर्शियल इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर. आप नेक्स्ट ईयर 8th में ये चीज़ पढ़ोगे क्राफ्ट के बारे में और कमर्शियल के बारे में, कॉमर्स के बारे में और चीज़ें जो 18th सेंचुरी में हुई है वो आप 8th क्लास में पढ़ोगे. ओके, टर्न दी पेज, ओपन पेज नंबर 88. वास्को डा गामा एंड किलोस्फर कोलंबस. अब हम पढ़ते हैं वास्को डा गामा की और किलोस्फर कोलंबस की क्या कहानी थी. इन द 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर अंडर टूक अनप्रेसिडेंटली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सी रूट्स. जो 15th सेंचुरी में जो यूरोपियन सेलर्स थे उनको इंडिया का रास्ता नहीं पता था. वो जो भी चीज़ें लेते थे, जो इंडिया की जो ट्रेडिंग थी, जो भी चीज़ें इंडिया का सामान अगर वो लेते थे तो वो अरब से लेते थे, अरब लोगों से लेते थे, अरबी लोगों से. उनको इंडिया का रास्ता ही नहीं पता था कि इंडिया कौन से रास्ते में आता है और इंडिया में जाने के लिए कौन सा रास्ता होता है. दे वर ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू फाइंड द वे ऑफ रीचिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑब्टेनिंग स्पाइसेस. लेकिन उनको ये चीज़ जानने की बहुत इच्छा थी कि वो इंडिया का रास्ता कहाँ से जाता है, क्योंकि वो उनको अगर वो उनको इंडिया का रास्ता पता गया तो वो डायरेक्ट डीलिंग कर सकते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा. वास्को डा गामा अ पोर्टुगीज सेलर सेल डाउन द अफ्रीकन कोस्ट वेंट राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड द क्रॉस ओवर द इंडियन ओशियन. वास्को डा गामा ने ये डिसाइड कर लिया कि वो इंडिया का रास्ता ढूंढ के रहेंगे, तो वो अफ्रीकन कोस्ट और कुछ सेलर को लेकर शिप में निकल पड़े इंडियन ओशन को ढूंढने के लिए. His first journey took more than a year. लेकिन उनकी जो first journey थी वो बहुत सालों तक चली. He reached Calicut in 1498 and returned to Lisbon, the capital of Portugal, the following year. वो 1498 में कैलिकट पहुँचे, फिर वो लिस्बन चले गए जो कि पोर्टुगल की कैपिटल है. He lost two of his four ships and
ऑफ द 170 मैन एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी ओनली 54 सर्वाइव. उनने अपनी चार शिप में से दो शिप उनकी ख़राब हो गई थी, टूट गई थी. जो पहले के टाइम पे जो समुद्री शिप थे, जो समुद्र में लोग ट्रैवल करते थे, बहुत लोग की जान चली जाती थी, शिप डिस्ट्रॉय हो जाते थे. और उनके साथ भी ऐसे हुआ, चार में से दो शिप उनकी डिस्ट्रॉय हो गई और 170 जो मैन थे, जो उनके सेलर्स थे, वो मर चुके थे. सिर्फ 54 बचे थे. वो कहाँ गए थे? वो इंडिया की खोज में निकले थे कि इंडिया में जाने का रास्ता क्या है, क्योंकि वो इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेडिंग करना चाहते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता. इन स्पाइट ऑफ द ऑब्वियस हजार सपोर्ट्स द रूट्स दैट वो ओपन अप द प्रूव टू द एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल एंड ही वॉज फॉलोड बाई इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच सेलर्स. वो अगर उनको इंडिया का रास्ता मिल जाता तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता और वो इंग्लिश, डच और फ्रेंच सेलर्स के साथ में चलते और उनको किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इंडिया से डायरेक्ट डीलिंग करते. तो वास्को डा गामा को इंडिया का रास्ता मिल गया था. द सर्च फॉर द सी रूट्स ऑफ इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉलआउट. एक और जन था जो कि क्रिस्पो कोलंबस था, उनको भी इंडिया का रास्ता ढूंढना था, वो भी इंडिया का रास्ते ढूंढने के लिए निकले. ऑन द अजम्पशन दैट द अर्थ वॉज राउंड, क्रिस्पर कोलंबस एंड इटालियन डिसाइड टू सेल वेस्टवर्ड्स अक्रॉस द अटलांटिक ओशन टू फाइंड अ रूट टू इंडिया. इंडिया ईस्ट की तरफ है, लेकिन जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो वेस्ट की तरफ गए थे, जो अटलांटिक ओशन वो पहुंच गए थे. तो उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया था, वो वेस्ट की तरफ चले गए थे, अटलांटिक ओशन पहुंच गए थे. ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज विच गॉट देयर नेम बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन इन 1492. वो कहाँ पहुंच गए? वो वेस्ट इंडीज पहुंच गए थे. वो एक लैंड पर पहुंचे थे जो वेस्ट की तरफ था, लेकिन इंडिया तो ईस्ट की तरफ है, तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि इंडिया कहाँ पे है, इंडिया ईस्ट की तरफ था, तो मैं यहाँ कैसे पहुंच गया. फिर जो वहाँ पे पहुंचे थे ना, उनको लगा अब तो मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तो ये मेरे लिए इंडिया है. तो वो उसको वेस्ट इंडीज़ उनने नाम दे दिया. कब? 1492 में. He was followed by the sailors and conquerors from Spain and Portugal who occupied large part of Central and South America, often destroying earlier settlements in the area. फिर उन्हें वेस्ट इंडीज़ पर अपना राज करने लगे थे. जो साउथ अमेरिका के लोग थे वो जब वहाँ वेस्ट इंडीज़ में थे तो उन पर उनने राज कर लिया था, और जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी रहते थे उनका पूरा एरिया और उन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था. किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने. और वो इंडिया का रास्ता वो नहीं ढूंढ पाए थे. तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, टाउन ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन्स का. 8th चैप्टर में आप और अच्छे से डिस्क्राइब में और डीप में पढ़ोगे. इसमें आपको सिर्फ इतना बताया कि कौन सी सिटी में ट्रेडिंग बहुत अच्छी थी, व्यापार बहुत अच्छा था, और टाउन कैसे डेवलप हुआ, टाउन सिटीज़ में कैसे बदल गया, जो छोटे छोटे गाँव थे वो कैसे सिटीज़ में बदल गए, और क्राफ्ट पर्सन का इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट कैसे हुआ. ओके, थैंक यू.